प्रश्न संख्या 61 से 65 में निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ऐसा निकालना है। तो 61वां प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें 354 से 180 आया है, तो पहले तो इसको हम समझें कि कैसे ऐसे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 180 से 354 दोगुने से ज़्यादा है, अर्थात अगर इसमें 6 जोड़ दिया जाए और आधा कर दिया जाए, 6 जोड़ के आधा कर दिया जाए +6 डिवाइडेड बाई 2, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 से भाग दे दिया जाए, 12 जोड़ के 3 से भाग दे दिया जाए तो 64 आ जाएगा। इस तरीके से हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है, सीरीज क्या चल रही है? तो सीरीज अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो रहा है 354 में, 354 में, सॉरी 354 है ये, 354 में भाग दिया गया है 6 का, यानी 2 × 3 का, 2 × 3 का भाग देके, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 × 3 का भाग नहीं दिया गया, 2 × 3 जोड़ा गया है, 2 × 3 जोड़ा गया है। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तीन सौ चौवन में चल ये रहा है कि 354 में 6 जोड़ा गया है, अर्थात 2 × 3 जोड़ा गया है, 2 × 3 जोड़ा गया है और 2 से भाग दिया गया है, ये हो गया, तो आ गया 180। अब 180 में, 180 में 2 × 3 हो चुका था, 3 × 4 जोड़ा गया है, 3 × 4 जोड़ के 3 से भाग आपकी दिया गया है, तो आ गया है 64। अब 64 में 2 × 3 जुड़ चुका है, 3 × 4 जुड़ चुका है, तो 64 में 4 × 5 जोड़ा गया है और भाग दे दिया गया है। किससे भाग हो चुका था, 2 से हो चुका, 3 से हो चुका, 4 से भाग दे दिया गया, 4 से भाग दे दिया गया, तो कितना आ गया, 5 × 20 और 64 84, 84/4 21। अब 21 में, 21 में क्या जोड़ देंगे हम, 4 × 5 हो चुका, तो 5 × 6, 5 × 6 जोड़ के 5 से अगर हम भाग दें तो आ जाएगा ये 10.2, 10.2 आ गया यहाँ पे। अब इधर ऊपर लिख लेते हैं, अब 10.2 में 5 × 6 का गुणा कर चुके थे, अब 6 × 7 यानी 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 जोड़ के, 10.2 में 6 × 7 = 42 जोड़ के 5 का भाग हो चुका था, 6 का भाग करा दें, 6 का भाग करा दें तो कितना आ जाएगा उत्तर, 42 × 10 52.2, 52.2/6, 52.2/6 आ जाएगा उत्तर। इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा 8.7, 8.7, तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर होगा 8.7, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।